राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े का निरीक्षण किया और इसमें 60 से ज्यादा जहाजों पनडुब्बियों के अलावा 55 विमानों ने भी हिस्सा लिया और इसमें नौसेना के 47 जहाज ऐसे थे जिन्हें भारत में ही बनाया गया और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। बुलंद नौसेना की बुलंद तस्वीर, बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना के जांबाज, एक से बढ़कर एक जंगी जहाज, आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती ताकत। नौसेना का सबसे नया स्टिल्थ डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम और कलवरी क्लास की सबमरीन INS वेला, ऐसा नजारा जो 5 साल में केवल एक बार देखने को मिलता है। मौका था प्रेसिडेंट्स फ्लीट रिव्यू का और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वदेशी जंगी जहाज INS सुमित्रा से नौसेना के जंगी जहाजों का निरीक्षण किया। इसमें 60 से अधिक जहाजों और पनडुब्बियों और 55 से ज्यादा एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति का जहाज INS सुमित्रा निकल चुका है प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू के लिए। ये 12वां प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू है जिस दौरान राष्ट्रपति अपनी नौसेना का निरीक्षण करते हैं। दरअसल हर राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में कम से कम एक बार नौसेना के जहाजों को, नौसेना की ताकत को देखता है और उसे प्रेसिडेंट्स फ्लीट रिव्यू कहा जाता है। पिछला फ्लीट रिव्यू 2016 में हुआ था और दरअसल वो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू था क्योंकि उसमें विदेशी नौसेनाओं, मित्र नौसेनाओं के भी जहाज शामिल थे। नौसेना के इस प्रदर्शन में डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, एंटी सबमरीन शिप के अलावा सबमरीन भी शामिल थी। देखिए, प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू देश की मैरिटाइम पावर को शोकेस करता है जिसमें कि ना ही सिर्फ इंडियन नेवी के जहाज हैं बल्कि कोस्ट गार्ड और मर्चेंट मरीन के भी जहाज इन्वॉल्व हैं। हाल में नौसेना में शामिल सबसे नया स्टिल्थ डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम और कलवरी क्लास की सबमरीन INS वेला भी इस फ्लीट रिव्यू में शामिल थे। दोनों का ही निर्माण भारत में ही किया गया है। इंडियन नेवी में जो सबसे लेटेस्ट कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स है, जैसे हमारा स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है INS विशाखापट्टनम और INS वेला है, जो सबमरीन जो मुंबई में जो कमीशन हुआ है वो भी इस PFR में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। INS वेला कलवरी क्लास की चौथी सबमरीन है जो नौसेना में शामिल की गई है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा एम्फीबियस जंगी जहाज INS जलाश्व इस रिव्यू का सबसे बड़ा जहाज था। एम्फीबियस जंगी जहाज भारत जैसे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिसकी समुद्री सीमा बहुत बड़ी है। भारतीय नौसेना की जिम्मेदारी बहुत बड़े समुद्री इलाके को सुरक्षा देने की है। भारत 3 ओर से समुद्र से जुड़ा हुआ है और ज्यादातर व्यापार भी समुद्र के ही रास्ते होता है। पाकिस्तान अरब सागर और हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बनाए रखता है और उसे चीन से नई सबमरीन मिली है जिससे उसकी नौसेना की ताकत बढ़ी है। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती चीन की है जो लगातार बड़ी हो रही है। चीन ने पिछले 2 दशक में अपनी नौसेना को लगातार मजबूत किया है और उसका सबमरीन बेड़ा दुनिया के सबसे ताकतवर सबमरीन बेड़ों में से एक है। म्यांमार को नौसैनिक मदद देने के बाद चीन ने बांग्लादेश में भी एक सबमरीन बेस बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ चीन के नौसैनिकों की बड़ी तादाद मौजूद रहेगी और ये कोलकाता और विशाखापट्टनम जैसे भारतीय नौसेना के बड़े बेसों के लिए बड़ा खतरा है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।